ये बड़ी और अहम जानकारी स्कूल आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां गोमती नगर स्थित एनी बेसेंट स्कूल में मतदान किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जनसंपर्क विभाग निदेशक शिशिर सिंह ने अपना मतदान किया है। लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। पत्नी और दोनों बेटों के साथ आज उन्होंने अपना मतदान किया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सबसे पहले सुबह उठकर शिशिर सिंह ने आज अपने मत का प्रयोग किया है। बता दें कि 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और इसी बीच ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां शिशिर सिंह ने अपना मतदान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर सिंह आज पांचवें चरण में अपना मतदान देते हुए नजर आए। पत्नी और दोनों बेटों के साथ आज उन्होंने मतदान किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां आज यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। वहीं इसी बीच शिशिर सिंह गोमती नगर स्थित एनी बेसेंट स्कूल में मतदान करते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित एनी बेसेंट स्कूल में उन्होंने मतदान किया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है। वहीं मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी मतदान किया है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर लगातार आज मतदान जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग निदेशक शिशिर सिंह ने मतदान किया है। सबसे पहले उठकर शिशिर सिंह ने आज अपना मतदान दिया। वहीं क्षेत्र के मतदाताओं को भारी संख्या में घर से बाहर निकालकर वोट करने की अपील भी लगातार की जा रही है। यूपी में आज 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बड़े बड़े दिग्गज नेता अपना मत का प्रयोग करने के लिए आज मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शिशिर सिंह ने अपना मतदान किया। बता दें गोमती नगर स्थित एनी बेसेंट स्कूल में मतदान किया है। वहीं अगर बात करें तो मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी अपना मतदान किया है और क्षेत्र के मतदाताओं को भारी संख्या में घर से बाहर निकालकर वोट करने की भी अपील की।